कैब चेंज करने हेतु थ्रॉटल न्यूट्रल तथा रिवर्सर ऑफ होने की पोजीशन की पुष्टि करें। थ्रॉटल न्यूट्रल तथा रिवर्सर ऑफ होने के पश्चात बीसीबी ओपन करें। बीसीबी ओपन के पश्चात पेंटो डाउन करें। पेंटो डाउन होने के पश्चात ईवीबी के ऑटो ब्रेक हैंडल को एफएस पोजीशन पे ला के लॉक करें तथा नॉब को ट्रेल पोजीशन पर मूव करें। डायरेक्ट ब्रेक हैंडल को रिलीज पर रखें। इसके पश्चात मॉस्कॉन की को आप पोजीशन पे मूव करके निकाल लेवें। अब मॉस्कॉन की के साथ आप दूसरे सेक्शन में पहुंचें। दूसरे सेक्शन में मॉस्कॉन की को इंसर्ट करके ऑन करें तथा पेंटो रेस करें। पेंटो रेस होने के पश्चात ओएचई वोल्टेज डीडीयू एवं लाइन इंडिकेटर में आने की पुष्टि करें। ओएचई वोल्टेज आने के पश्चात बीसीबी क्लोज करें। बीसीबी क्लोज होने के बाद ईवीवी हैंडल में डायरेक्ट ब्रेक हैंडल को फुल पोजीशन पे रखें तथा नॉब को लीड पोजीशन पे मूव करें। उसके बाद ऑटो ब्रेक हैंडल के को अनलॉक करके रन पोजीशन पे लाएं। इस प्रकार आपका दूसरा कैब एक्टिवेट हो चुका है। अब आप ऑपरेशन हेतु फॉरवर्ड रिवर्स अथवा रिवर्स डायरेक्शन सेलेक्ट करके थ्रॉटल मूव कर सकते हैं।